अभी हम पीआर हो जाते हैं। आप अपने रेंट का कॉस्ट कटिंग तभी कर सकते हो जब आप शेयरिंग में रह रहे हो, ठीक है। जॉब बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप जॉब करके तो आप पढ़ नहीं सकोगे, पढ़ोगे तो जॉब नहीं कर सकोगे। अभी अभी अब हम चलते हैं रूम टूर के घर पे, रूम टूर देना। आउट चे भाई। सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल। और एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन का वीडियो का टॉपिक है हाउस टूर। हाँ, मैं आज आपको मेरे घर का पूरा रूम टूर देने वाला हूँ। एंड वो देने से पहले बाहर हम इसलिए आए ताकि मैं आपको दो मेजर चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जो दिमाग में रखने वाली चीज़ है आप जब भी अपना घर रेंट करने का सोच रहे हो तब। सो एक चीज़ होती है वो है बस की कम्यूट, यानी कि बस स्टेशन आपके घर से कितना दूर है। एंड दूसरी चीज़ होती है ग्रोसरी। तो इन दो चीज़ों में अगर मैं ग्रोसरी की बात करूं तो ये जो पीछे दिख रहा है वो हमारा घर है एंड उसके एग्जैक्ट सामने ये जेसीबी की खुदाई, नहीं ये नो फ्रिल्स, ये वॉलमार्ट और ये शॉपर्स और सबवे और डॉलर हम अभी इसी के अंदर है। एक इन कॉट बॉल, जैसा मैंने कहा कि आप जब भी अपना घर रेंट करने का सोच रहे हो तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोसरी का क्या होता है ना, हमारा प्लान नहीं होता जब घर में ख़त्म होती है चीज़ें, हम जाके ले आते हैं। तो ऐसी जब पास में चीज़ होती है ना तो हम सुबह भी उठ के जाके लेके आ सकते हैं एंड उस वजह से जो भी ट्रैवलिंग का कॉस्ट होता है वो बच जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है बस स्टेशन। तो ये हमारे अपार्टमेंट्स है, एक बस स्टैंड ये क्रॉस रोड पर, एक बस स्टैंड ये क्रॉस रोड पर। सो जस्ट 5 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस, 5 भी नहीं एक्चुअली, लाइक 2 या 3 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारे दोनों बस स्टैंड है। सो इट इज़ क्वाइट ईजी हमारे लिए एंड ये दो चीज़ काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक होता है अपना फ्रेंड सर्कल, क्योंकि डेफिनेटली आप जैसे ही एज अ स्टूडेंट आ रहे हो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि जहाँ पे हो सके उतनी कॉस्ट कटिंग करते हैं। आप अपने रेंट का कॉस्ट कटिंग तभी कर सकते हो जब आप शेयरिंग में रह रहे हो, ठीक है। और शेयरिंग की बात आती है तो एक फ्रेंड सर्कल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप रैंडमली आ रहे हो तो आपको पता नहीं है आप किसके साथ रहने वाले हो, ठीक है। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे कि आपकी बॉन्डिंग या फिर आपकी ट्यूनिंग नहीं बनेगी एंड उस केस में मैं काफ़ी लकी हूँ क्योंकि जिसके साथ मैं रह रहा हूँ वो लोग सब इतने कोऑपरेटिव है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच। सो ये चीज़ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी गाइस, अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप सेने के मान आना और आप जॉब बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप जॉब करके तो आप पढ़ नहीं सकोगे, पढ़ोगे तो जॉब नहीं कर सकोगे। अभी अभी आप कहाँ जा रहे हो? बहुत बोगस है, हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी जा रहे हो? क्यों? पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं। एगेन कॉट मॉल में हमारा कट गया है, संडे क्लोज्ड। कोई नहीं, हम घूम के लाइब्रेरी जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमारा कट चुका है, अब ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा कल या परसों। बाय गाइस। बेसिकली हुआ क्या कि ये फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे लॉन्ग वीकेंड है यहाँ पे एंड उस वजह से सारे आसपास के लाइब्रेरीज और मॉल्स बंद है। सो ठीक है, ये चीज़ हो गई, आपको साथ में दिखा दिया कि घर के आसपास की कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने वाली है। अब हम चलते हैं रूम टूर के घर पे, रूम टूर देना। तो दोस्तों आई विल रिकमेंड कि जब भी आप इंडिया से आ रहे हो तभी अपने कॉलेज के ग्रुप्स में बॉन्डिंग और अपना फ्रेंड सर्कल बनाना शुरू कर दो, ताकि आप जब यहाँ पे आओ तो रहना उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनके साथ आपकी पहले से बॉन्डिंग बन चुकी है। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं एंड जिसके साथ हम ईजीली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे जॉब पे जाने के बाद सारे लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद हम इतने मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि घर का एनवायरमेंट भी अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिसके साथ रह रहे हैं वो एक फ़नी एनवायरमेंट होना चाहिए, यानी एक स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना, वरना क्या होगा कि आपको जो घर ढूंढने की मेहनत है वो वापस से करनी पड़ेगी। इट इज़ रियली अ टफ टास्क, वापस से वही की जी पे ढूंढो, फेसबुक मार्केट प्लेस पर ढूंढो, सबको मैसेज डालो और जो चीज़ वहाँ स्क्रीन पे दिखती है वो एक्चुअल में उतनी अच्छी नहीं होती, ये मैंने पर्सनली फेस किया है। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं सीधा मेरे रूम टूर पे एंड आपको सारी डिटेल्स मैं वहाँ पे बताता हूँ कि हम लोग का शेयर कैसा है
बाकी यहाँ पे कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने वाली है वाइल रेंटिंग एन अपार्टमेंट या रेंटिंग ए हाउस। सो लेट्स गो गाइस। सो दोस्तों ये है वो अपार्टमेंट्स जहाँ पे हम अभी स्टे कर रहे हैं। पीछे इनका पूरा बैकयार्ड है। सो एक फेसिंग गार्डन फेसिंग आता है, एक फेसिंग रोड फेसिंग आता है। और अपार्टमेंट में रहने का एक फ़ायदा जो है वो ये है कि हमको जो भी वॉकवे या ड्राइववे होता है वो हमको क्लीन नहीं करना है स्नो के टाइम पे, वहाँ पे सॉल्ट या कुछ भी हमको नहीं करना है। जैसे जैसे वीडियो में जो फ़ायदे हैं गैर फायदे हैं अपार्टमेंट के और टाउन हाउस के वो मैं साथ में ही आपको बताते जाऊँगा। ये नीचे रिसेप्शन एरिया, ये है दो लिफ्ट्स, बेसिकली लॉबी सिस्टम ही है। एक मिनट। अच्छा हाँ, परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, नॉक करो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एंड जैसे ही एंट्री करते हैं तो ये है हमारा ड्राइंग रूम। इसकी भी एक अलग स्टोरी है। बाकी सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आता है हमारा शू और जैकेट के लिए एक क्लोज़ेट। तो दोस्तों ये है बैकयार्ड से आता हुआ एक रूम हमारे घर का। एंड स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और इसके जस्ट साइड में ये है दूसरा रूम। सो एज यू कैन सी, सो बेसिकली ये 2 BHK है। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। पीस आउट गाइस। एंड ये पूरी जो आप देख रहे हो लॉबी है, जिसमें ये स्टोरेज क्लोज़ेट है, ये एक और क्लोज़ेट है और ये एक और क्लोज़ेट है। सो जैसा आप लोग देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है हमारी प्लेस। ये छोटू सा मंदिर हमारा। एंड जैसे ही हम बालकनी से निकलते हैं वैसे ब्यूटीफुल सनी स्काई टुडे। सो ये पूरा हमारा बैकयार्ड है यहाँ पे। सो गाइज यही है वो जगह जहाँ पे आपने मेरे को मेरे सारे व्लॉग्स बनाते हुए देखा है। एंड किचन रह गया, मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। सो बेसिकली ये है हमारा किचन विच इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर शेयरिंग बिटवीन 6 पीपल्स। किचन की 2 एंट्री एग्जिट है। ये हमारा वर्क स्टेशन है। सो या दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा छोटू सा रूम टूर। बेसिकली हम 6 लोग इसको शेयर करते हैं। एंड पूरा का पूरा जो भी अपार्टमेंट है ये हमने रेंट आउट किया है फॉर $2,100 पर मंथ। एंड यहाँ पे लीजिंग सिस्टम यही है कि फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का रेंट हमको एक साथ पे करना होता है और $100 पर पर्सन जो होती है वो डिपॉजिट देनी होती है। सो काफ़ी सही है क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं स्कारबोरो में, यहाँ पे इतनी रेंट में ये मिलना विच इज़ ऑन द चीपेस्ट साइड। एंड बेसिक फंडा हमारा यही था कि जब भी हम एज ए स्टूडेंट आए तो फर्स्ट के फ्यू मंथ्स जब तक हम थोड़े से सेटल ना हो जाए कि हम थोड़े से हमारी कॉस्ट कटिंग कर सकें। सो ये घर ढूंढने में भी हमको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है क्योंकि Kijiji और फेसबुक मार्केट प्लेस यही मेन सोर्स है। यहाँ पे आप यहाँ पे रेंट्स की एड्स देख सकते हो Kijiji और फेसबुक मार्केट प्लेस पे। एंड उसके बाद आपको ओनर को कॉन्टैक्ट करना होता है, आपको नेगोशिएट करना होता है। एंड उसके बाद सारी लीजेज जो भी है वो फाइनल करके देन यू कैन मूव इन फ्रॉम द डेट दैट यू प्रेफर एंड विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम द ओनर्स साइड। सो दैट्स इट गाइस। सारी रूम की डिटेल्स यही कुछ है एंड सारा तरीका ऐसे ही है। सो गाइज अगर आप आ रहे हो कनाडा तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना जब भी आप अपना घर रेंट आउट कर रहे हो, क्योंकि क्या होगा ना कि अगर कोई भी सिचुएशन की वजह से आपको मूव आउट होना पड़ रहा है या फिर रीलोकेट करना पड़ रहा है देन इट वुड डेफिनेटली कॉस्ट यू सम एक्स्ट्रा बक्स। एंड होगा क्या कि वापस से वही सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, वापस से ओनर्स को कॉन्टैक्ट करना और जो भी प्रॉब्लम्स आप एक बार घर ढूंढने में लगाते हो वही मेहनत आपको वापस से दूसरा घर ढूंढने में करनी पड़ेगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो भी पहला घर ले रहे हो वो अच्छे से देख कर लो एंड हो सके तो एक विजिट मार के आओ वो घर की। जो नहीं पॉसिबल होता मुझे पता है क्योंकि हम इंडिया से ही अपना घर देखना स्टार्ट कर देते हैं, बट आपके फ्रेंड्स यहाँ पे हो तो उनको बोलो कि जाके वो देख के आए क्योंकि एक्चुअल सिनेरियो जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। और बस इस घर का मैं अब आपको एक बैकग्राउंड वीडियो देता हूँ कि जब हम आए थे
उसके बाद से हमने इसको कितनी मेहनत से, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, ये एक एक चीज़ सेटअप करी है हमने। सो ये सारा BTS के फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। बाकी इस वीडियो में यही था, सारी डिटेल्स मेरे हिसाब से जो भी मैंने चीज़ें फेस की है वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड बाकी का BTS वीडियो आप आगे देख सकते हो। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। आउट चे भाई। तो दोस्तों, कनाडा में एक चीज़ अच्छी होती है, वो है कि अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो आप घर के बाहर रख दो, एंड जिसको वो ज़रूरत होती है वो आके ले जाता है। सेम चीज़ अभी हो रही है, हम लोग यूं ही ऐसे ही कॉफ़ी पी रहे थे और नीचे देखा हमारे अपार्टमेंट में तो किसी ने एक शेल्फ रखा था जो कि हमें ज़रूरत थी, एंड हमने आके नीचे कन्फर्म किया तो यस, पीपल आर मूविंग आउट एंड उनको जो चीज़ की ज़रूरत नहीं थी शेल्फ की वो यहाँ पर रख दी है। तो अभी हम आए हैं और इसको लेके कैसे जाना है या क्या करते हैं, लेके कैसे जाते हैं ये देखते हैं। मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कैसे रखते हैं। तो या इट सीम्स प्रिटी डिसेंट। और ये हमारे लोग, ए जल्दी काम कर, ढंग से काम कर। चल, हाँ तूने देखा है, बस ऐसे चीज़ें रख के जाते हैं। सो पीपल आर मूविंग आउट एंड यही है, किसी को जो चीज़ ज़रूरत नहीं होती है और अगर आपको रिक्वायरमेंट है चेक करके लेना अच्छा है बुरा है, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि आप मूव करो और बाद में पता चले कि ये तो ढंग से काम नहीं कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, डू चेक फॉर सच थिंग। फॉर प्रोफेशनल वॉल पेंटिंग वी हैव आवर प्रोफेशनल वॉल पेंटर हियर। गाइस, तो ये है रोलर और ये हम और हम कर रहे हैं कलर। वो तो तुम बचपन से अपना कर रहे हो, वो तो तुम बचपन से अपना कर रहे हो, वो तुम बचपन से बहुत कलर मार रहा है और असली जिंदगी में कलर मार रहे हैं। और यहाँ हमारा फर्स्ट डे ऑफ कोर्स होता है शुरू पेंटिंग से। मास्टर्स इन सिविल इंजीनियर होम डेकोर। बराबर कर बे जाड़िए, बराबर ये बे पतले। As you